इस कहानी की शुरुआत में हम डार्क सोल्जर डैरिल को देखते हैं, जो कि डेमन किंग के चार जनरल्स का असिस्टेंट था। लेकिन फिर आगे वो चार जनरल उसे अपने सामने बुलाकर काम से निकाल देने की बात करते हैं। डैरिल ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो गया था, इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या आपका मतलब मैं असिस्टेंट के काम से निकाल दिया गया हूँ। जिस पर वो उससे कहते हैं कि नहीं, तुम अभी सिर्फ डेमन किंग के आर्मी से ही निकाल दिए गए हो। इसके बाद वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा रैंक डेमन आर्मी किंग में सबसे लोवेस्ट पर था और तुम्हें हमारा असिस्टेंट बनाना एक गलती थी, क्योंकि तुम अच्छे से मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारे जैसे डेमन हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसके जवाब में डैरिल कहता है कि मुझे पिछले डेमन जनरल में से एक लॉर्ड ग्रैंड ब्राज ने काम पर रखा था, और तभी अचानक से एक जनरल उसके साइड में मैजिक से अटैक करके कहता है कि तुम मेरे डैड की बात कर रहे हो। लेकिन वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं और इस नई डेमन आर्मी में मैजिक यूज ना कर पाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना सुनकर डैरिल वहां से बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है, और बाहर वो सोचता है कि डेमन और इंसानों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डेमन मैजिक कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक डेमन होने के बावजूद मैजिक यूज नहीं कर सकता। उनकी बात सही है, मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। आगे डैरिल फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था और टेंशन में था कि अब 32 साल की उम्र में वो कौन सा काम ढूंढेगा। तभी वो भूख के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। मगर तभी अचानक से एक लड़की उसके ऊपर से जंप करके जाती है, और उस लड़की का पीछा करते करते एक मॉन्स्टर भी वहां पर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करने ही वाला था, पर डैरिल उस अटैक को रोककर उस लड़की को भागने के लिए कहता है। इसके बाद जब डैरिल उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए भागता है तो भूख के मारे नीचे गिर जाता है और उस मॉन्स्टर के अटैक से बहुत दूर गिरता है। तभी उसे साइड में एक नाइफ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे यूज करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि एक इंसान का बना हुआ हथियार था और एक डीमन के लिए एक शर्म की बात थी। लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से डैरिल उस नाइफ को पकड़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे एक ही बार में मार देता है। आगे वो लड़की डैरिल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उससे कहती है कि आप बिल्कुल उस हीरो जैसे हो जिसे आज तक सबसे स्ट्रांगेस्ट माना जाता है। ये जानने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे पीछे से रोक लेती है और उसे अपने साथ विलेज में आने को कहती है, और थैंक यू के तौर पर उसे खाना देने का प्रॉमिस भी करती है। खाने का नाम सुनकर डैरिल उसकी बात मान लेता है और फिर वो लड़की उसे अपने विलेज में ले आती है। आगे वो लड़की उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका शुक्रिया करते हैं। फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम मलिका है। अब डैरिल मन ही मन सोच रहा था कि वो अभी एक दुश्मनों के विलेज में है, इसीलिए उसे अपनी पहचान सबसे छुपानी होगी, वरना वो लोग उसे मार देंगे। तभी मलिका उससे पूछती है कि आप फॉरेस्ट में क्यों थे, जिस पर डैरिल एक बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे पुराने एम्प्लॉय ने मुझे काम से निकाल दिया, इसीलिए मैं बस ऐसे ही भटक रहा था। अब ये सुनके मलिका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डैरिल को उसके साथ इस विलेज में रहने के लिए इनवाइट करती है, और इससे पहले वो उसे मना कर पाता, मलिका के डैड और मॉम भी इसके लिए मान जाते हैं। अब ये देखकर डैरिल भी उनकी बात मान लेता और यहाँ रहने का तय करता है। आगे जब रात को डैरिल अपने रूम में सो रहा था, तब मलिका उसके डोर के सामने आकर उसे बुलाती है और थैंक यू कहती है। वो कहती है कि मुझे आज तक किसी आदमी ने नहीं बचाया था, इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जब मलिका के डैड डैरिल से कहते हैं कि उनके पास उनके लिए एक काम है, जिस पर डैरिल कहता है कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं जरूर करूंगा, तो उसके डैड कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। दरअसल मैं इस विलेज का गिल्ड मास्टर हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक एडवेंचरर बनो। फिर वो डैरिल को समझाते हैं कि एडवेंचरर वो होता है जो मॉन्स्टर को हराता है, हर्ब्स कलेक्ट करता है, सबकी हेल्प करता है। अब ये सुनकर डैरिल पूछता है कि क्या आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, जैसे कि खेती करना या ऐसे ही कुछ। जिस पर वो जवाब देते हैं कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है, फिर भी तुम ऐसे काम क्यों करना चाहते हो, और फिर वो उसके सामने एक पेपर रखकर उसे रजिस्टर करने को कहते हैं। डैरिल ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने सुना था सिर्फ इंसान ही एक गिल्ड में रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर वो इसमें रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो सबको उसकी असलियत का पता चल जाएगा। इसीलिए डैरिल अपनी बॉडी में पेन होने का बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मलिका के डैड मलिका को उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं, और अचानक से उसके हाथ से ब्लड निकालकर उस पेपर में रजिस्टर कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि डैरिल बिना किसी दिक्कत के रजिस्टर कर लेता है, और ये देखकर वो सोचता है कि मैं बचपन से डेमन्स के बीच बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज पता चला कि असलियत में मैं एक इंसान हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मलिका के डैड अब डैरिल के स्किल को टेस्ट करने वाले थे। सबसे पहले वो डैरिल के ऑरा को चेक करने का तय करते हैं और उससे कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ऑरा होता है, और वो उसे किसी भी वेपन में डालकर उसे और भी पावरफुल बना सकता है। तो डैरिल एक स्वॉर्ड को पकड़कर उसमें अपना ऑरा डाल देता है। इसके बाद मलिका के डैड कहते हैं कि अभी हम हमारे फाइटिंग टाइप को चेक करेंगे, और फिर सबसे पहले उसे एक लकड़ी पर स्लैश अटैक करने के लिए कहते हैं, और जब डैरिल उस लकड़ी पर स्लैश अटैक करता है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं।
ये देखकर सब उससे बहुत इम्प्रेस्ड थे। इसके बाद वो बो से एक एप्पल पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर उसके एरो से सामने के पेड़ भी टूट जाते हैं। ये देखकर मलिका के डैड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर मलिका बहुत खुश थी। अगले टेस्ट में उसे एक पत्थर पर अटैक करना था, और जब वो उस पत्थर पर अटैक करता है तो उस पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आखिरी टेस्ट में उसे एक शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए मलिका के डैड एक आयरन का बना हुआ बहुत बड़ा हैमर लेकर आते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन आखिर में वो खुद ही पीछे गिर जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैरिल के पास हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा पावर है। ये जाने के बाद मलिका के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा रेयर है, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के को हमारे विलेज में बंद नहीं रखना चाहता। सेंटर गिल्ड में ज्वाइन करना हर एडवेंचरर का सपना होता है, और तुम उसके लिए पहले से ही क्वालिफाइड हो, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं एक रिकमेंडेशन लेटर भी लिख सकता हूँ। तभी डैरिल की नजर मलिका पर जाती है, जो कि उसके जाने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा सैड थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि आपने मुझे उस वक्त रहने की जगह दी जब मेरे पास कोई नहीं था, इसीलिए मैं आपका एहसान पूरा करूंगा और यही विलेज में रहूंगा। ये सुनकर मलिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि मलिका के डैड पूरे विलेज के सामने डैरिल का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि ये हमारे विलेज का नया एडवेंचरर है। और तभी हमें पता चलता है कि मलिका के डैड उस विलेज के मेयर भी हैं। उसी वक्त उन विलेजर्स के बीच में एक लड़का डैरिल से बदतमीजी से बात करने लगता है और कहता है कि ये अंकल इस एज में काम नहीं कर पाएंगे। तो मलिका के डैड डैरिल को बताते हैं कि उसका नाम घसीटा है और वो भी एक एडवेंचरर है। इसके बाद घसीटा डैरिल से उसका एडवेंचरर रैंक पूछता है। अब डैरिल का रैंक ई है, ये जानने के बाद वो अकड़ दिखाकर कहता है कि मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और इतना कहकर घसीटा वहाँ से चला जाता है। और कहते हैं कि ये सब वो क्वेस्ट हैं जिसे घसीटा ने पूरा करने से मना कर दिया था, जिस पर डैरिल ये काम करने के लिए मान जाता है। आगे वो डैरिल को सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि बाहर एक मॉन्स्टर घूम रहा है। फिर जब वो उसे उस मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाते हैं तो ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे डैरिल ने फॉरेस्ट के अंदर मारा था। इसके बाद उन लोगों को उस मॉन्स्टर की बॉडी भी मिल जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि डैरिल ने उसे मारा है। अब मलिका के डैड यानी कि मेयर घसीटा से कहते हैं कि तुम इतने दिनों से ये काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डैरिल ने इसे एक चुटकी में कर दिखाया, इसीलिए उसे तुम जाकर थैंक यू बोलो। अब ये सुनकर घसीटा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में डैरिल को थैंक यू कहता है, और उसके बाद गुस्से में एक और क्वेस्ट को बिना पढ़े अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर डैरिल के हाथ पर रजिस्टर हुए एडवेंचरर रैक को क्लास डी में प्रमोशन कर देता है, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को मारकर विलेज को प्रोटेक्ट किया था। तभी वहां पर मलिका भी आ जाती है और डैरिल के साथ क्वेस्ट पूरा करने जाने को कहती है, और फिर वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। आगे मलिका डैरिल को बताती है कि वो भी एक एडवेंचरर बनना चाहती थी और विलेजर्स की मदद करना चाहती थी, जिस पर डैरिल पूछता है कि क्या तुम इसी वजह से उस दिन फॉरेस्ट में थी। तो मलिका कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, पास के विलेज में एक लेडी की तबीयत खराब थी और उसे मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन घसीटा ने इस काम को करने से मना कर दिया था, तो मुझे खुद ही जाना पड़ा। आगे वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। तभी मलिका को वहां पर एक हिरन के पैरों के निशान मिलते हैं, इसीलिए वो लोग उसका शिकार करने का तय करते हैं। आगे वो लोग जब फॉरेस्ट में बात कर रहे थे तो अचानक से उनके पीछे एक हिरन दिखता है, लेकिन वो एक नॉर्मल हिरन नहीं था। अचानक से वो हिरन वहां से जंप करके झाड़ियों में चला जाता है और वहां एक मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। तो इस बात का फायदा उठाकर मलिका और डैरिल उन दोनों का शिकार कर लेते हैं। विलेज में सब ये देखकर उसकी काफी तारीफ कर रहे थे, पर घसीटा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, और हमें पता चलता है कि उसने जो क्वेस्ट एक्सेप्ट किया था वो इसी मॉन्स्टर को मारने का था, जिसे अभी डैरिल मार कर आया था। ऐसे ही वहां पर कुछ दिन गुजर जाते हैं और डैरिल को अब इस लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी। आगे जब वो गिल्ड में जाता है तो मेयर से उसे पता चलता है कि घसीटा अब कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि डैरिल ने दो बार उसके लिए हुए काम को पूरा कर दिया है। इसके बाद मेयर बताते हैं कि अभी जब घसीटा यहाँ पर था उसी वक्त ये एक अर्जेंट क्वेस्ट आया था, पर ये सिर्फ रैंक सी या उससे ऊपर वालों के लिए थी, क्योंकि ये नॉर्मल मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी मलिका कहती है कि इतने खतरनाक क्वेस्ट को सिर्फ ग्रुप में रहकर ही पूरा किया जा सकता है, जिस पर मेयर कहते हैं कि हाँ, दरअसल ये क्वेस्ट पास के टाउन के लिए है, पर हमें सिर्फ इसीलिए दिया गया है ताकि हम थोड़ा सतर्क रहे। मगर घसीटा ने इसे देख लिया और पूरा करने के लिए निकल पड़ा। ये सुनकर डैरिल कहता है कि ये तो मुसीबत की बात है, क्योंकि घसीटा का रैंक डी है, जिस पर मेयर कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि दूसरे टाउन में ऑलरेडी अपना एक ग्रुप उसे मारने के लिए भेज दिया है। तो मलिका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो घसीटा को दूसरे ग्रुप के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इतना सुनने के बाद डैरिल कहता है कि मैं घसीटा को वापस लेकर आऊंगा, जिस पर मलिका भी उसके साथ जाने की बात करती है, पर डैरिल उसे मना कर देता और कहता है कि तुम्हें खतरनाक कामों को एडवेंचरर्स पर छोड़ देना चाहिए, इसीलिए मैं अकेला जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मलिका मान जाती है और उसे कुछ मेडिसिन देती है, और उसके बाद डैरिल घसीटा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
आगे वो देखता है कि फॉरेस्ट में थोड़ी दूर जाते ही वहाँ उस मॉन्स्टर के गुजरने के निशान थे, पर तभी पीछे से घसीटा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर डैरियल उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो मॉन्स्टर डैरियल को छोड़कर घसीटा के पीछे जाने लगता है। आगे जब वो मॉन्स्टर घसीटा पर अटैक करने ही वाला था तो डैरियल पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे रोक देता है और तभी वो मॉन्स्टर डैरियल पर अपने टेल से बहुत तेज अटैक करता है, लेकिन डैरियल अपने डिफेंस मैजिक से उसे रोक लेता है, पर इसमें उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर डैरियल कंफ्यूज हो जाता है कि वो उस पर कौन सा अटैक करेगा, और तभी वो अपने टूटे हुए स्वॉर्ड के टुकड़े को पकड़कर उस मॉन्स्टर पर फायर कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। आगे वो घसीटा की चोट पर मलिका के दिए हुए मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है कि फिकर मत करो, मलिका ने पहले से मुझे उस मॉन्स्टर के पॉइजन का एंटीडोट दिया था, इसीलिए तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब ये देखकर घसीटा उससे पूछता है कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो, जिस पर डैरिल कहता है कि मैंने हर्ब्स के बारे में मलिका से सीखा है और मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज सीखना कभी बेकार नहीं जाती। और ये सुनकर घसीटा काफी इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब डैरियल और मेयर बैठकर खाना खा रहे थे तभी घसीटा वहां कर डैरियल को गुड मॉर्निंग कहता है और बॉस कहकर बुलाने लगता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि मैं जल्दी ठीक होकर बॉस के नीचे काम करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर डैरियल सोचता है कि कुछ दिन पहले तक मैं डीमन किंग के आर्मी में बस एक लूजर था, पता नहीं वो चार जनरल्स अभी तक हीरो से फाइट कर रहे होंगे या नहीं। तभी हम चार जनरल्स को देखते हैं जिसके एक मेंबर को हीरो के ग्रुप ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। वो कहती है कि मेरी ये हालत इसीलिए हुई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसके ग्रुप में अभी नए मेंबर्स भी आ गए हैं। जिस पर एक और जनरल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लड़ाई करने जाने के पहले उनके ऊपर नजर रखकर सिचुएशन को समझना एक जरूरी चीज होती है। तो इसके जवाब में वो कहती है कि ये सब इस न्यू असिस्टेंट की गलती है क्योंकि उसने सही से अपना काम नहीं किया। ये सुनकर एक और जनरल कहती है कि हमने ऑलरेडी 4-5 असिस्टेंट चेंज करके देख लिया लेकिन कोई ढंग से काम नहीं करता, तो क्या हमें डैरियल को वापस नहीं बुला लेना चाहिए? वो हमेशा अपना काम परफेक्ट तरीके से करता था, साथ ही हमारी सेहत का भी ख्याल रखता था और जरूरत के टाइम पे वो हमेशा हमारी मदद भी करता था। अब जब वो चला गया है तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमें उसकी कितनी जरूरत है। लेकिन ये सब सुनकर दूसरा जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उसे कभी वापस आने नहीं दूंगा। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।